वन और मोर न्यू सब्सटांसेज आर फॉर्म डिज कॉल्ड केमिकल चेंज तो केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें एक या दो नए सब्सटांसेस फॉर्म होते हैं जैसे कि यह आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन जिसमें कि आयरन को रस्ट लग गया है तो आयरन पर रस्ट लगना एक केमिकल चेंज है जिसमें रस्ट एक नया सब्सटांस फॉर्म होता है ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है ये मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम बर्न होने से एक जो इसकी ऐश है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है तो उसमें भी एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इसलिए मैग्नीशियम का रिबन का बर्निंग भी एक केमिकल चेंज है ऐसे ही कॉपर सल्फेट में जब हम कोई ब्लेड या कोई आयरन की नेल डाल देते हैं तो उसका कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है और जो ब्लेड है ब्लेड का कलर वाइट से ब्राउनिश हो जाता है जिसमें कि कॉपर फॉर्म होता है और आयरन सल्फेट बनता है तो इसमें दो सब्सटेंसेस इस एक रिएक्शन से बन गए हैं इस एक चेंज से तो ये भी एक केमिकल चेंज है और नेक्स्ट केमिकल चेंज है जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में पहले हम विनेगर लेते हैं फिर उसमें थोड़ा सा बेकिंग सो सोडा पाउडर जब डाल देते हैं तो उसमें से हिस साउंड आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स से बबल्स के साथ निकलती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है यानी एक नया बन गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस स्मॉल ट्यूब से लेकर के दूसरे टेस्ट ट्यूब में आ जाती है जिसमें कि हमने लाइम वाटर डाला हुआ है तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो एक white, बनाता है, जिसे carbon, जिसे कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं तो ये भी एक इसमें भी इस रिएक्शन में भी नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है और केमिकल चेंज है इसी से जुड़ा हुआ है एक और कीवर्ड है जिसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन तो जो केमिकल रिएक्शन है वो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है जैसे हमने पहले पढ़ा कॉपर सल्फेट तो कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन है कॉपर सर कॉपर सल्फेट में हमने आयरन की नेल या ब्लेड डाला तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना जो कि ग्रीन कलर का था प्लस कॉपर हुआ जो कि ब्लेड के ऊपर हमने ब्राउन डिपोजिट देखा तो ये एक रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन को मिलाने से हुई है ऐसे ही जब हमने विनेगर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई जिसको हमने लाइम वाटर से पास किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के मिलने से कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एस बनी थी मैग्नीशियम को बर्न करने से एम अगर उसको उसमें हम वाटर मिला देते हैं तो वो सोल्यूशन जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है तो ये सभी केमिकल रिएक्शन हुई हैं जब केमिकल चेंजेस हुए हैं जो हमने पढ़े हैं क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग है लार्ज क्रिस्टल्स जब बनते हैं किसी सॉल्यूशन से तो उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ Pure substances can be formed from their solutions. The process is called crystallization. तो जैसे, लेकिन ये एक physical change होता है और जैसे हमने पिछले videos में पढ़ा था आपकी book में दिया हुआ है, कि हम hum कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बना सकते हैं तो ये एक और आ, कीवर्ड था इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्रिस्टलाइजेशन नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम जिंक की लेयर को डिपोजिट करते हैं आयरन के ऊपर ताकि वो रस्ट से बच सके तो इसका होता है मीनिंग दिस प्रोसेस ऑफ ऑफ डिपोजिटिंग ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन तो हम इसको लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गेलवेनाइजेशन

यानी एक फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें कि कोई सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है जैसे कि शेप साइज कलर या अपियरेंस या उसका स्टेट तो जैसे कि ये फिजिकल चेंजेस है सभी क्रशिंग कैन मेल्टिंग एन आइस बॉइलिंग वाटर मिक्सिंग सैंड ब्रेकिंग ग्लास डिजोल्विंग शुगर इन वाटर श्रेडिंग पेपर चॉपिंग वुड मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स यस तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि फिजिकल चेंजेस होते हैं तो यहाँ हमारे ये सभी कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए जो हमने आपको बता दिए हैं आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं ये आपको बहुत जरूरी है समझना क्योंकि ये सभी चैप्टर का निचोड़ है जो कीवर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट चीजें इन कीवर्ड्स में ही कवर हो जाती हैं ऑल द बेस्ट